आईपीएल 2023 सीजन का रोमांच जल्द ही शुरू होने वाला है। लीग का पहला मैच 31 मार्च को होगा, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स और डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगी। सीएसके की कप्तान महेंद्र सिंह धोनी संभाल रहे हैं, जबकि गुजरात की कप्तानी हार्दिक पंड्या कर रहे हैं। चेन्नई टीम ने दूसरे सबसे ज्यादा बार खिताब जीता है, मगर पिछला सीजन इस टीम के लिए बेहद खराब रहा था। टीम ने टूर्नामेंट से ठीक दो दिन पहले ही धोनी की जगह रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया था, लेकिन टीम की हालत खराब हो गई थी। पिछले सीजन में जडेजा की कप्तानी में चेन्नई टीम शुरुआती 8 में से 2 ही मैच जीत सकी थी। ऐसे में जडेजा को कप्तानी से हटाकर फिर धोनी को कमान सौंपी गई थी, मगर फिर भी सीएसके टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी थी। मगर तब कप्तानी छिनने के बाद जडेजा काफी निराश हुए थे। जडेजा बीच टूर्नामेंट में ही टीम को होटल छोड़कर चले गए थे। उन्होंने सोशल मीडिया से भी चेन्नई टीम के साथ वाले अपने फोटो और वीडियो हटा दिए थे। ऐसे में माना जा रहा था कि जडेजा और चेन्नई टीम का नाता टूट जाएगा, मगर फिर धोनी ने इस मामले में भी कमान संभाली और जडेजा को मनाकर वापस लाए। इस मामले में अब ऋग्वज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि धोनी और जडेजा के बीच काफी लंबी बात हुई थी। इसके बाद जडेजा ने चेन्नई टीम के सीईओ काशी विश्वनाथन के साथ भी आमने सामने बैठकर लंबी बात की। इस दौरान जडेजा ने अपनी नाराजगी जाहिर की और वह भविष्य में क्या चाहते हैं, इसको लेकर भी खुलकर बात हुई। फ्रेंचाइजी की ओर से जडेजा को बताया कि कप्तानी उन पर बोझ बन रही है और इससे उनके प्रदर्शन पर असर पड़ रहा है। यह बात इस स्टार ऑलराउंडर को समझ में भी आई। इस चर्चा के दौरान धोनी और विश्वनाथन ने पूरे मामले में हुए कंफ्यूजन को भी स्पष्ट किया। हालांकि जडेजा की नाराजगी को लेकर अब भी खुलासा नहीं हो सका है। इन दोनों की लंबी चर्चाओं के बाद सभी का कंफ्यूजन दूर हुआ और जडेजा फिर से टीम के साथ जुड़ गए हैं। डॉट अब सीएसके ने कई वीडियो और फोटोज शेयर किए, जिसमें धोनी और जडेजा की ट्यूनिंग शानदार नजर आ रही है। बता दें कि वास्तव में पिछले सीजन में कप्तानी के कारण जडेजा का प्रदर्शन फीका पड़ गया था। उन्होंने 10 मैच खेले थे, जिसमें 19.33 के खराब औसत से सिर्फ 116 रन बनाए थे। उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 26 रन था। गेंदबाजी में भी जडेजा फ्लॉप साबित हुए थे। उन्होंने 7.52 के इकोनॉमी रेट से सिर्फ 5 ही विकेट लिए थे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो लगातार मिलती रहें।